नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजी और बड़ी खबरें। रूस के परम शहर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक हथियारबंद शख्स परम यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुआ और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हमले के दौरान कुछ छात्र और अध्यापकों ने खुद को बिल्डिंग में बंद कर लिया तो कुछ बिल्डिंग की खिड़की से कूदते भी दिखाई दिए। वहीं गोलीबारी में कम से कम 8 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कितने लोग घायल हुए हैं अभी तक इसकी जानकारी नहीं चल सकी है। खबर है कि हमलावर इसी यूनिवर्सिटी का छात्र है। बता दें, परम स्टेट यूनिवर्सिटी रूस की राजधानी मॉस्को से 1300 किलोमीटर दूरी पर है, जहां ये गोलीबारी हुई है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर निशाना साधा है। चन्नी ने कहा कि केंद्र सरकार को तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए। चन्नी ने कहा कि रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सभी मुद्दों का समाधान होगा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की ओर से तय 18 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि वह राज्य के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में सभी मसलों का हल होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब की एकता, अखंडता और भाईचारा को कायम रखना है, हम सबको मिलकर रहना है और पंजाब को आगे बढ़ाना है। वहीं पंजाब में दलित समुदाय से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को इसे चुनावी हथकंडा करार दिया है। मायावती ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बसपा और अकाली दल गठबंधन से कांग्रेस बहुत ज्यादा घबराई हुई है, इसलिए उसने ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे यह साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी का अभी तक दलित पर पूरा भरोसा नहीं जमा है। लेकिन इनके इस दोहरे चाल चरित्र से वहां के दलित वर्ग के लोगों को सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि इससे यह भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहां अकाली दल और बसपा के गठबंधन से बहुत ज्यादा घबराई हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई नहीं आएंगे। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा सोमवार से 114 शहरों में शुरू हो गई। विश्वविद्यालय के VC जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी है। जेएनयू के प्रवेश परीक्षाएं 23 सितंबर तक चलेंगी। कुमार ने एक ट्वीट में बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित जेएनयू प्रवेश परीक्षा आज देश भर के 114 शहरों में शुरू हो गई है, जिसके लिए 248 केंद्रों का चयन किया गया है। उन्होंने लिखा कि जेएनयू प्रवेश परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को शुभकामना है। वहीं मौखिक वाले कार्यक्रमों के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। उधर फेसबुक इंडिया ने पूर्व IAS अधिकारी और उबर के पूर्व कार्यकारी राजीव अग्रवाल को अपना सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। वह इस पद पर अंकित दास की जगह लेंगे, जिन्होंने एक विवाद में फंसने के बाद पिछले साल अक्टूबर में पद छोड़ दिया था। फेसबुक ने अपने बयान में कहा कि अग्रवाल इस भूमिका में भारत में फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण नीति विकास पहलों को परिभाषित करेंगे और उनका नेतृत्व करेंगे। इन पहलों में उपयोगकर्ता सुरक्षा, डेटा संरक्षण, गोपनीयता, समावेश और इंटरनेट शासन शामिल है। इस भूमिका में अग्रवाल फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अजीत मोहन के अधीन काम करेंगे और भारतीय नेतृत्व टीम का हिस्सा होंगे। बयान के मुताबिक अग्रवाल इससे पहले ऑनलाइन टैक्सी सेवा प्रदाता उबर में भारत और दक्षिण एशिया के लिए सार्वजनिक नीति के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे। उधर IPL 14 के सेकेंड फेज का आज दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इसी साल अप्रैल मई में IPL 2021 के पहले हाफ में अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर 7 में से 5 मैच जीतने वाली RCB दूसरे हाफ में भी अपनी उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी, जबकि दो बार की चैंपियनशिप के खिलाफ टीम नए सिरे से शुरू करके अपनी किस्मत बदलने के लिए मैदान में उतरेगी। बता दें, विराट कोहली की अगुवाई वाली RCB 10 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है, जबकि KKR 4 अंकों के साथ अंक तालिका में 7वें स्थान पर बरकरार है। उधर भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,256 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,34,78,419 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 295 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 4,45,133 के पार पहुंच गई है। बता दें, देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,18,181 पर पहुंच गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।